माननीय मंत्री जी ने दिया, माननीय मंत्री जी ने दिया, मंत्री जी का इस पर प्यार आ गया, हम लोग क्या बोल सकते। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार इंजीनियर है और इंजीनियर के शासन काल में पुल गिर जा रहा है, उनका मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, इस तरह की बातें कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री न अभी तक कोई हुआ है ना आगे भी होगा, यही भाजपा के लोग बोलते हैं कि देश में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना उनके देख रेख में होगी। तो प्रधानमंत्री जी को तो इस पर विचार करना चाहिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बयानबाज, बयान बहादुर नेता लोग कहाँ हैं? उन पर तो बोलना चाहिए रेल दुर्घटना पर, कुछ तो बोल नहीं रहे हैं। लगता है कि उनके मन में लोगों के प्रति ममता खत्म हो गई, मानवता संसार हो गया, कुछ बोलना चाहिए। और जो लोग परिवार उसमें हताहत हुए हैं उनके बारे में गंभीरता से भारत सरकार को सोचना चाहिए, कहाँ सोच रहे हैं। अच्छा, हज यात्रियों को लेकर नीतीश कुमार ने बधाई दी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है क्या कभी नीतीश कुमार ने वैष्णो देवी जाने के लिए बस खुलवाया है क्या? हम लोग सभी धर्मों का सम्मान मानने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, मंदिर में पूजा करता है उसके लिए भी उतना ही श्रद्धा है, मस्जिद में इबादत करता है उसके लिए उतना ही श्रद्धा है, गुरुद्वारा में मथा टेकते उसके लिए उतना ही श्रद्धा है, और गिरजाघर में जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए उतना ही श्रद्धा है। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, वैसे लोगों में से हमारी पार्टी को कोई नेता नहीं है कि कहते कुछ और करते कुछ, मन में कुछ और बाहर कुछ, हम लोग करने वाले नहीं हैं, हम लोग ढोंग वाले नहीं हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए हम लोग हमेशा काम करते रहे। पुल गिरने पर इस्तीफे की मांग हो रही है, इस बीजेपी के लोग इस्तीफा कर दिए, रेल हादसा हुआ इसमें इस्तीफा उन्होंने किया, जब खुद कटघरे में खड़ा है तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए क्या है, कुछ है? उसको तो बोलना चाहिए कि हमने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा करा दिया, इतनी बड़ी हादसा के बाद इतनी संवेदना हमने जाहिर किया, और ये घटना दूसरी घटना पुल की हुई है उसमें बिहार की सरकार संवेदना नहीं व्यक्त कर रही है, तब ना देखते हैं। ये बयान बहादुर लोगों से पूछिए कि इतनी बड़ी रेल घटना में भारत सरकार ने क्या क्या किया उन लोगों के लिए, और बिहार की सरकार ने बिहार के लोगों के लिए यहाँ से अधिकारियों को भेजा, टॉल फ्री नंबर जारी किया, और जो लोग घर आए उनसे पूछिए कि बिहार की सरकार ने उनके लिए क्या क्या कदम उठाया, उनको लाने के लिए क्या क्या बिहार सरकार ने कदम उठाया, और जो लोग आए हैं उनके नंबर पर आप पूछ सकते हैं। नहीं, हमने बयान नहीं सुना है, हमने उनका बयान न सुना है और न देखा है न पढ़ा है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।